अब हम नेक्स्ट करने जाएंगे आज स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हमने क्या किया, हमने पोटेंशियल निकाला डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे, वो पॉइंट कहाँ था, एक्सियल लाइन पे था। अब हम पोटेंशियल निकालेंगे डाइपोल की वजह से किसी ऐसे पॉइंट पे जो कहाँ पर हो, इक्विटोरियल लाइन पर हो। पहले भी हमने किया है, इक्विटोरियल लाइन आपको पता ही है जो परपेंडिकुलर होती है डाइपोल के ऊपर। ये हमने डाइपोल ले लिया, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये डिस्टेंस एल और ये डिस्टेंस एल, और सेंटर से जो लाइन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल लाइन बोलते हैं। तो मान लेते पॉइंट यहाँ है वो जिसपे हमें डाइपोल से पोटेंशियल निकालना है, और ये डिस्टेंस कितना है आर, यही है इक्विटोरियल लाइन का केस। को पहले लिख लेते हैं, देख लीजिए, कंसिडर अ डाइपोल ऑफ लेंथ 12, लेट पी इज द पॉइंट एट डिस्टेंस आर ऑन इक्विटोरियल लाइन। ठीक है, अब माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना है ये, प्लस क्यू से डिस्टेंस कितना है ये, और आपको पता ही है ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, ये राइट बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है यहां पे, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डिस्टेंस कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, ये भी सेम होगा पावर हाफ। ठीक है, यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हमने पहले की है चीजें। अब निकालते हैं पोटेंशियल पॉइंट पी पे। देखिए, नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज, पोटेंशियल पी पे माइनस क्यू वजह से भी होगा और प्लस क्यू वजह से भी होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं माइनस क्यू, प्लस क्यू किसी का भी ले लो, माइनस क्यू ले लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो क्या होगा, माइनस क्यू, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव चार्ज लोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस जितना भी है, कितना है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, तो ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, ये माइनस की वजह से। प्लस की वजह से वी क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर हाफ, ये प्लस क्यू की वजह से, माइनस क्यू और प्लस क्यू आ गया आपके पास। अब क्या करते थे हम, स्केलर क्वांटिटी है तो एल्जेब्रिकली सिंपल ऐड होगा, तो हम क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल निकालेंगे, तो जो नेट बी आता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों को सिंपली ऐड कर दो, ऐड करोगे तो देख लो क्या होगा, ये माइनस का वो प्लस का, बाकी सारी चीजें सेम, तो आपको पता है ऐड करने पे क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, देख लो टर्म्स बिल्कुल सारी सेम है और जो है वो साइन अलग है। तो क्या कंक्लूजन आया निकल के हमारे पास, कि अगर कोई आपसे ये कहे कि डाइपोल के केस में किस बात पे या किस सिचुएशन में पोटेंशियल जीरो हो सकता है, तो आपका आंसर होगा ये तब पॉसिबल हो सकता है जब पॉइंट कहां पर हो, इक्विटोरियल लाइन पे हो। अगर आपने पॉइंट को इक्विटोरियल लाइन पे लिया तो यानी कि उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक जगह और भी जीरो हो सकता है, कब, जब यही पॉइंट पी इंफिनिटी पे हो जाए तो भी जीरो है, पर यहां हम बात कर रहे हैं अभी डाइपोल की, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इक्विटोरियल के लाइन पर क्या होगा। तो लिख लेते हैं इसको एक लाइन में, हेंस पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज जीरो व्हेन पॉइंट इज
presentation on equatorial line. तो ये था हमारे पास सेकंड केस, जब आपने पोटेंशियल लिया है डायपोल की वजह से किस केस पे, इक्विटोरियल लाइन के पॉइंट पे केस पे, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम इसका थर्ड एप्लीकेशन करेंगे, थर्ड पॉइंट करेंगे, जहां जर्नल पॉइंट पे हम डायपोल की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे.